Namaste, Prime Minister, sir. My name is Tanay and I am a student of Salmiya Indian Model School, Kuwait. Sir, I have a question to ask you that how to prepare ourselves for the battle of life. Thank you, sir. Namo app par Masuri, Uttarakhand, श्रीमान अशरफ खान ने लिखा है, सर हम सब जब अपने बड़े कजिन्स या दोस्तों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी स्कूल में तो तुमने जीवन देखा ही कहाँ है, जीवन की असल कसौटी तो स्कूल से बाहर निकल करके होगी। मेरा सवाल यह है कि आज हम अपने आप को कल की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार करें। तनय, आप तो कुवैत से मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन तनय कभी किसी ने इस बात को मार किया है कि तुम्हारे जो आवाज है वो गॉड गिफ्टेड है? क्या कभी तुम्हारे माँ बाप ने, कभी आपके दोस्तों ने, कभी आपके टीचर्स ने कभी कहा है क्या आपका ध्यान गया है? आज आपका सवाल सुनने के बाद, खैर रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं पक्का मानता हूं कि आपको एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की आवाज परमात्मा ने दी है। कभी उस पर ध्यान दीजिए, ये आपकी बहुत बड़ी विरासत बन सकती है। खैर मैं तनय की बातों की ओर चला गया, लेकिन जो सवाल आपने पूछे हैं, पहली बात तो ये कि जो लोग आपको ये कहते हैं उनके कहने का तरीका भले ऐसा होता है कि वो आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन मन के भीतर की सच्चाई को देखें तो वो अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर वो अपनी असफलताओं को इसलिए बड़ा बनाकर दिखाता है ताकि उसे एक एस्केप रूट मिल सके, और इसलिए वो दिखाता है कि उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इस विषय में मेरा सीधा सीधा मंत्र है, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। हां, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है कि दसवीं या बारहवीं के बाद क्या, ये हर बच्चे के मन में होता है और न मैं इसे इनकार कर सकता हूं और न कोई और उससे इनकार कर सकता है। बहुतों के लिए ये सवाल चिंता और निराशा फैलाने वाला हो सकता है। दुर्भाग्य से आज के चकाचौंध भरे युग में सेलिब्रिटी के कल्चर के कारण और उसका प्रभाव होने के कारण स्टूडेंट लाइफ में एक धारणा बन गई है कि जो टीवी पर आता है, जिसकी अखबारों में चर्चा होती है, वैसा कुछ बनना है, वैसा कुछ करना है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन की सच्चाई से ये बहुत दूर है। ये जो प्रचार माध्यमों में हजार दो हजार लोग हमारे सामने आते हैं, दुनिया इतनी छोटी नहीं है, इतनी बड़ी विश्व व्यवस्था, इतना लंबा मानव इतिहास, इतनी तेजी से हो रहे परिवर्तन बहुत सारे अवसर लेकर के आते हैं। जीवन की सच्चाई ये है कि जितने लोग हैं उतनी विभिन्नताएं हैं, जितने लोग हैं उतने अवसर भी हैं। हमें अपनी जिज्ञासा का दायरा बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है, उसको विस्तार देने की आवश्यकता है, और इसलिए आवश्यक है कि दसवीं क्लास में, बारहवीं क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना सीखिए।
आपके आसपास इतने सारे प्रोफेशन है, नेचर ऑफ जॉब्स है, और बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स हैं। खुद को ट्रेन करिए, अपने स्किल बढ़ाइए और उसका लाभ उठाइए। करियर के चुनाव में एक पक्ष ये भी है कि बहुत से लोग जीवन में इजी रूट की तलाश में रहते हैं। बहुत जल्दी वाहवाही मिल जाए, आर्थिक रूप से बड़ा स्टेटस बन जाए, ये इच्छा ही जीवन में कभी कभी, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी, अंधकार की शुरुआत भी करने का कारण बन जाती है। फिर ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें सपने पालना और देखना जरा अच्छा लगता है, सपनों में खोए रहना अच्छा लगता है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा।